हमारा कैसा घोंसला, बहुत बेइज्जती घोंसला। सुबह को उठे, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद सफाई करने लगे। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद हम लोगों ने नाश्ता के बाद सफाई करना शुरू की, तो क्या हुआ जनाब, बादल आ गए, बादल आ गए। तो बादल जब आए तो तकरीबन 11 बजे बादल बरसना शुरू हो गए। जब बादल बरसे तो बादल बरसने के साथ साथ अच्छी खासी बारिश आ गई। अच्छा बारिश आई तो उसे क्या कहते हैं, गली में पानी अच्छा खासा खड़ा हो गया, और वैसे भी बारिश आते साथ ही लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो उसका वेट करो, पहले बारिश रुकने का वेट कर रहे थे, फिर लाइट चली गई। बारिश रुकी कोई 1 बजे जाके, लाइट आई 2:30 बजे जाके। जब लाइट आई तो जना फिर हम लोगों ने ये सीन किया कि हम लोगों ने वेट किया, फिर सफाई, फिर गैराज दोबारा से सफाई करनी पड़ी क्योंकि गैराज में पानी आ गया, गली में पानी था, गली से गैराज में पानी आया, गैराज की सफाई की। उसके बाद फिर हम लोग उसका वेट करते थे, जब वो साफ किया फिर हम लोग बैठे। फिर दोपहर के लंच का टाइम हो गया कि क्या लंच किया जाए, समझ कुछ नहीं आ रही थी, मौसम ज़रा काफ़ी अच्छा था। हमने सोचा आज क्यों आलू के पराठे बनाए ना, फिर हमने आलू के पराठे बनाए। फिर समझ ये नहीं आ रही थी कि आलू के पराठों के साथ दही का रायता बन, मतलब कि मीट रायता बनाए, जीरा रायता बनाए या मिक्स वेजिटेबल रायता बनाए, समझ नहीं आती। फिर हम लोगों ने जो है पुदीने का रायता बनाया साथ, तो हम लोगों ने उसके साथ बड़े मज़े के आलू के पराठे और पुदीने का रायते के साथ हम लोगों ने इंजॉय किया। फिर देन सारी सफाई सफाई करने के बाद फिर हम लोग बैठे जनाब जी, फिर उसके बाद बातें करते रहे, बातें करते करते शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम में फिर हम लोग जा तो नहीं सक नहीं सकते थे क्योंकि कीचड़ बहुत आबाद है। अब कीचड़ में जाने का तो बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि बंदा चाय और पानी और ये वो कीचड़। तो खैर हम लोगों ने सोचा कि शाम की चाय बनाई जाए। शाम की चाय पर सोचा मेरी छोटी बहन ने कि हम लोग इस तरह करते हैं, आज नया हलवा ट्राई करते हैं, सूजी और बेसन का मिक्स करके साथ आलू के पकौड़े। फिर हम लोगों ने वो इन्जॉय किया, चाय और सूजी और बेसन का हलवा मिक्स, सूजी और बेसन का हलवा मिक्स और साथ आलू के पकौड़े, वो हम लोगों ने ट्राई किए। फिर उसके बाद जनाब जी हम लोगों ने थोड़ा, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, फिर हवा को इन्जॉय किया। रात में आए हम लोगों ने हवा को इन्जॉय किया, बहुत ठंडी मज़े की हवा चल रही थी और गली भी आप ये कहें कि सारा पानी निकल चुका था और खुश्क हो गई। फिर एंड देन हम लोगों ने शाम होने का टाइम हो गया, शाम को सोचा कि अब क्या पकाया जाए, कोई कहे भिंडी पका लो, कोई कहे आलू बैंगन पका लो, समझ कुछ नहीं आ रहा था। कल हमने दाल चावल बनाए थे, तो फिर आज हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग बनाते हैं क्या चीज़ बना, आलू पालक। फिर आलू पालक बनाया जाए, उसकी तैयारी शुरू की गई, आलू पालक बनाया गया, वो बना। फिर मगरब का टाइम हो गया, फिर रोटियां, फिर साथ ही पानी का टाइम हो गया, पानी, फिर साथ ही लाइट चली गई। लाइट चली गई तो तकरीबन कोई 9 बजे तक लाइट आई, 9 बजे के हो गए, पानी का टाइम मिस हो गया, लेकिन खुदा खुदा करके पानी शुक्र है आ गया वो। फिर हमने टंकी भरने लगाई, अब टंकी भर रही है। टंकी भरने के बाद जो है फिर हम लोगों ने किया जनाब किया, हम लोगों ने किया कि बैठ के टंकी इतने भर रही थी, मैं ज़रा टिकटॉक देखती थी। मैं टिकटॉक देखते देखते मैंने सोचा आज क्यों ना व्लॉग जो है ज़बानी रिकॉर्ड किया जाए, और जो है मतलब कि कहने का बेसिक मतलब इन स्टोरी आपको सुनाया जाए, डेली रूटीन आज डेली व्लॉग में हम लोगों ने क्या किया, डेली डे में क्या किया, तो उसका व्लॉग बनाया जाए। तो उसका व्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ मैं, उसकी तैयारी कर रही थी, तो आप एडिट वगैरह कर रही सारी चीज़ें, तो साथ साथ टंकी भी भर रही है, साथ साथ टिकटॉक भी चल रहा है, साथ साथ यूट्यूब भी चल रही है। उसके साथ सोचा जाए कि क्या किया जाए, तो कोई ना कोई मूवी या वीडियो देखी जाएगी, ये सीन होगा। फिर उसके बाद जो है 12 बजे सो जाना है आराम से, फिर सुबह अल्लाह देखे होना कितने मिनट की होगी, 3 मिनट। अच्छा बस ये डेली रूटीन थी। डेली रूटीन में आज का जो हमारा व्लॉग बना वो सारा इंतज़ार, फिर बारिश खत्म होने पे, लाइट आने पे, फिर लाइट आई तो फिर लाइट जाने पे, फिर लाइट आने पे, तो ये सारा सीन जो आज चलता है। आज हमारा डेली व्लॉग का ये थीम था इंतज़ार। इंतज़ार इतना लंबा इंतज़ार था आज का कि बस, वरना मौसम काफ़ी अच्छा था ओवरऑल, बाकी जो दिन गुजरा वो काफ़ी अच्छा गुजरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है क्या कहते हैं, कल देखें क्या शेड्यूल होता है, क्या काम होते हैं। आज मंडे था क्योंकि आज कोई काम कहीं जा नहीं सके, कुछ कर नहीं सके। हाँ इंटरव्यू देने जाना था, वो भी नहीं जा सके, बारिश आ रही थी, फिर उसको भी जो है पोस्टपोन हो गया। ऑटोमेटिकली कॉल आ गई थी, उन्होंने कहा आप कल आइएगा, आप बताइएगा। मैं कहा चलो ये भी अच्छा हुआ, आपको पता जॉब तो है नहीं और करने को कुछ है नहीं, तो फिर क्या किया जाए। तो इसलिए सोचा कि जनाब जी रेस्ट किया जाए, आज इंजॉय किया जाए वेदर को। अब देखें कल क्या सीन होता है, कल इंटरव्यू के लिए जाना है, फिर आपको बताऊँगी कि क्या सीन बनेगा इंटरव्यू के बाद।
मना आप कितने मिनट की हो गई इसमें? तो भाई 1 मिनट की। अच्छा 5-7 मिनट की और चलेगा। अच्छा जनाब जी, बस ये सीन था, ये सीन चलते चलाते फिर जो है आज का दिन ऐसा गुजरा। आप बताइए आप लोगों को कैसा गुजरा कमेंट में। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका दिन कैसा गुजरा। और बस यही था शेड्यूल। आप कितने मिनट की हो गई? 1 मिनट 37 सेकंड। 1 मिनट 37 सेकंड हो गए? अच्छा अब 41 सेकंड। हाँ 2 मिनट ज़्यादा ही।